सो गाइज यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए हुए हैं और इसमें फर्स्ट हमने रेड एलईडी के लिए 2 डिजिटल पिन सेलेक्ट किया है, ग्रीन एलईडी के लिए 3 एंड बजर के लिए 7 और इसमें रेन A0 इक्वल टू A5 ये हमने एनालॉग पिन A5 यहाँ पे सेलेक्ट किया है एंड देन यहाँ पे सेंसर थ्रेफ की वैल्यू हमने 400 ली है। इसके बाद वाइड सेटअप की तरफ अगर चले तो यहाँ पर हम लोगों ने पिन मोड लिया है, रेड एलईडी के लिए आउटपुट और ग्रीन एलईडी और बजर के लिए हमने आउटपुट सेलेक्ट किया और ये जो एनालॉग पिन हमने लिया था A5 वाला रेन A0 का इसमें इनपुट लिया एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने सीरियल डॉट बिगेन में 9600 सेलेक्ट किया है जो कि हम लोग ऑलरेडी सेलेक्ट ही करते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने वाइड लूप के अंदर एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें एनालॉग सेंसर नेम लिया उस वेरिएबल का और इसमें एनालॉग रीड फंक्शन को कॉल करवाया है और इसमें रेन A0 जो वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, ये जो वेरिएबल क्रिएट किया इस वेरिएबल को यहाँ पे हमने पास कर दिया और फिर यहाँ पे हम लोगों ने सीरियल डॉट प्रिंट किया है प्रिंट करवाने के लिए पिन A0 जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाया और ये सीरियल डॉट प्रिंट लाइन में ये एनालॉग वेरिएबल जो लिया इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया कि जो ये वैल्यू होगी ये वैल्यू हमारी सीरियल मॉनिटर पे शो करेगी जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशंस ली हैं इसकी और यहाँ पे एनालॉग सेंसर की वैल्यू अगर लेस देन होगी सेंसर थ्रेफ की वैल्यू से तो हमारा जो डिजिटल राइट फंक्शन होगा वो हाई हो जाएगा रेड एलईडी का और जो ग्रीन एलईडी का होगा वो लो हो जाएगा और बजर की जो टोन होगी वो हमारी बजने लगेगी और अगर ये कंडीशन हमारी रॉन्ग होती है तो हमारा जो कंडीशन होगी वो एल्स फंक्शन में आ जाएगी और इसमें रेड एलईडी हमारी लो हो जाएगी और ग्रीन एलईडी जो होगी वो हाई हो जाएगी और जो हमारा बजर की टोन होगी वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगी और डिले हमने यहाँ पे 100 का दिया है। तो अब हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं, तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे कंपाइल हो रहा है तो ये कंपाइलिंग प्रोसेस इसका चल रहा है। और कंपाइलिंग प्रोसेस डन होने के बाद हम लोग देखते हैं इसको, फिर इसको अपलोड करवाएंगे अपने आर्डिनो को कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फ़ोन में। तो कंपाइलेशन जो है हमारा ये डन हो चुका है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे कंपाइलेशन डन होने के बाद हम लोग अपने प्रोग्राम को अपलोड करवाते हैं, तो यहाँ पे हम अपलोड करवा लेते हैं प्रोग्राम को। मैंने अपने आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट कर लिया है और टूल्स में चेक कर लेते हैं अपने पोर्ट को, पोर्ट 7 और यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड हमारा आर्डिनो यूनो है। अब इसके बाद अपलोड करवाते हैं, तो ये अपलोडिंग में करवा ले रहा हूँ और ये हमारा प्रोग्राम जो है वो अपलोडिंग हो रही है और हमारी अपलोडिंग अब यहाँ पे डन हो चुकी है।